अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सुबह का 6 बज गया है, अब यहाँ पर हम उठ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या क्या काम करेंगे ब्लॉगिंग में दिखाएंगे। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत ही उम्मीद के साथ हम ब्लॉगिंग चैनल खोले हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या हम काम करेंगे। देखें यहाँ पर सब खत्म कर दिए, थोड़ा सा बचा है और थोड़ा सा दे देते हैं, सब खा जाएगा। सुबह खाएगा फिर भूख लगेगा 12 बजे से, अभी इधर तक जाएगा घूमने के लिए फिर आएगा। अब यहाँ पर हम चाय बनाएंगे। यहाँ 2-3 कप हम बनाएंगे चाय। तो बच्चा स्कूल चला गया है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं फिर हम हाँ काम करेंगे। इतना सा हम चाय पत्ती देंगे और चाय अच्छी तरह से खोलेगा तब हम चीनी डालेंगे। देखिए चाय खोल गया है, अब यहाँ पर हम चीनी डालेंगे। इतना सा हम चीनी डालेंगे। अच्छा से खोलने देंगे चाय को, फिर हम बंद करेंगे गैस। देखिए यहाँ पर चाय खोल गया है और चीनी जो दिए थे अच्छी तरह से मिल गया है। देखिए चपाती का भी कलर आ गया है अच्छा से। गैस भरे रहते गैस टा हुए थे परसों भूले से था ठीक। अब यहाँ पर हम चाय ढाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम मुरी लेंगे एगो कटोरा में और मुरी है चाय पिएंगे। चाय पिएगा तुम, चाय पिएगा लो आज पिएगा पिएगा हाँ इधर आ। देखिए यहाँ पर जो कचरा छिले आलू उलू ये सब हम गमला में रखेंगे और उसको हम पानी दे करके छोड़ देंगे। जब सड़ जाएगा तो इसका पानी हम पौधा में लगाएंगे। अब यहाँ पर हम झाड़ू लगाएंगे। देखिए ये सब में ये सब गंदा है, झाड़ू लगा देंगे। अब यहाँ पर भी साफ कर लेंगे सब्जी उब्जी चीरे थे क्योंकि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया है।
साग भात हम बनाएंगे, बहुत ही स्वाद लगता है साग और भात। पालक का साग है, साग को हम बाछेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पालक साग और गंधा साग दोनों को हम मिसा के बनाएंगे। दोनों को मिला के बनाने से बहुत स्वाद लगता है। सब इसी तरह करके हम सब साग को फ्रेश कर लेंगे, साफ कर लेंगे। इस पर जो डंटी है डंटी सब हटा देंगे, डंटी नहीं देंगे हम, छोटा छोटा तोड़ के फेंक देंगे। अब यहाँ पर हम साग को धो लेंगे। देखिए यहाँ पर हम साग पानी में भेज लेंगे। साग को धो लेंगे। इसमें जितना कंकड़ उंकड़ रहता है ऐसे पानी देकर के छोड़ के छोड़ देने से जितना धुला उला रहता है सब नीचे बढ़ जाता है पानी के अंदर में, इसलिए पानी को 6-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखिए साग हम धो लेंगे, कितना फ्रेश साग है। अभी हम बनाएंगे वाला पानी, अभी हम नहीं फेंकेंगे वाला, अभी रहेगा इसलिए यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हम साग को धो करके और चीर लिए हैं और कढ़ाई में दे दिए हैं। और यहाँ पर हम लहसुन और मिर्चा तोड़ करके डाल दिए और यहाँ पर हम चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डालेंगे। अब यहाँ पर हम ढक देंगे और गैस को हम चालू कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक बार मिला लेते हैं नमक और मिर्चा और लहसुन जो दिए थे। बहुत ही मस्त लगता है गंधारी और पालक मिसा के बनाने से। दोनों को हम मिसा के बनाए हैं, चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों साग जल गया, इतना शौक से हम साग लाए थे, दूसरा काम में हम बिजी हो गए, याद नहीं हुआ, लेकिन जल गया। अब हम क्या करेंगे, मेरा साग जल गया। देखिए दोस्तों साग जल गया मेरा, इतना महंगा साग लाए थे और जल गया, कितना खराब लगेगा खाने में। कितना शौक से हम बनाए थे और क्या करें, दूसरा काम में हम चले गए, जल गया मेरा साग। देखिए एकदम पूरी तरह से जल गया, देखिए देखिए ये सब में काला हो गया है। अब हमें तो इसको साफ भी करना पड़ेगा और खराब भी हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। ध्यान से उतर गया मेरा से, हम साग चढ़ाए हैं, दूसरा काम में हम चले गए, भूल गए। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपके साथ। अब यहाँ पर हम अच्छी तरह धो लेंगे। देखिए
देखिए पानी देने के बाद किस तरह पानी काला हो गया है, देखिए रगड़ने से भी नहीं छूट रहा है। देखिए मेरा इतना साग बर्बाद हो गया, देखिए इतना साग मेरा बर्बाद हो गया। थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया, जल गया। देखिए आप इतना रगड़ने के बाद साफ हुआ है। अब यहाँ पर हम फिर से चढ़ाएंगे, अब फिर से हम धो करके कढ़ाई चढ़ाएं। अब यहाँ पर हम तेल डालेंगे, यहाँ पर हम तेल दे दिए हैं, तेल गर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्याज काट के रखे हैं, देखिए मिर्चा और प्याज दोनों को भूनेंगे फिर देंगे। प्याज जब तक लाल नहीं होगा तब तक हम साग को नहीं डालेंगे, लाल होने के बाद डालेंगे। थोड़ा सा प्याज को हम भून लेते हैं। यहाँ पर प्याज लाल हो गया है, हम साग को डालेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा साग बनके तैयार हो गया है, बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट साग बना के हम तैयार किए हैं।